स्वाभाविक रूप से खड़गे जी जो हमारे काफी वरिष्ठ नेता है, पार्टी को लाभ मिलेगा। भारत की संस्कृति है, जो हमारी भारत की विचारधारा है, हमारा जो संविधान है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से आम जन परेशान है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश सभी जगह जीतेगी। कांग्रेस की सरकार प्रदेशों में भी बनेगी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसी भी चीज़ में ये कामयाब नहीं हुए। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पकोड़े तलने की बात करते हैं, बिना लिए दिए किसी भी ऑफिस में काम नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। आज तो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग गायब कर देते हैं। परेशान है, लड़ाने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम इस सरकार में चल रहा है। इसी सरकार के जमाने में तो सब जगह ये फैला है नशा, और आज अब नशा मुक्ति अभियान के नाम पे धंधा कर रहे। दारू चला, पैसा चला, पैसे से उनको खरीद लिया। 100% और इनकी सरकार जाएगी इस बार, जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हैं ये, और इसको जवाब जनता ही देगी। सिंगरौली से ललितपुर रेल लाइन का, तो रेलवे में भी ये सेंक्शन रेलवे लाइन का इंदिरा जी के टाइम में, अर्जुन सिंह जी के टाइम में ये हुआ था। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। आज आपसे रूबरू कराते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल से, जिनके साथ हमारे चैनल हेड ने देश प्रदेश के साथ बिंध की राजनीति और समस्याओं को लेकर चर्चा की है। दरअसल एक दिवसीय प्रवास पर कमलेश्वर पटेल रीवा पहुंचे हैं। जिनसे चर्चा की गई तो कमलेश्वर पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का अध्यक्ष बनना और शशि थरूर जी का पहले पहुंचकर बधाई देना हमारी पार्टी की एकता दर्शाता है। वहीं कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेसी उत्साहित हैं, जिसका परिणाम 2023-24 के चुनाव में देखने को मिलेगा। श्री पटेल ने भाजपा सरकार को तानाशाही बताते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने वाली सरकार करार दिया है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं राजनिवास, जहां कमलेश्वर पटेल ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे से चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी, जिनसे हम कुछ चर्चा करेंगे प्रदेश की और साथ में बिंध की राजनीति को लेकर। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, चुनाव को लेकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या आशाएं हैं पार्टी को जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी बने? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय खड़गे जी को बहुत बधाई, शुभकामना। वो बहुत वरिष्ठ नेता है, कई चुनाव जीते हैं और ज़मीनी हकीकत से वाकिया रखते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया निर्णय किया है, जो खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता, जो दलित नेता है, ऐसे व्यक्तित्व को जो मौका दिया है। ये हमारे लिए, देखिए, एक तो हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, एक तरफ शशि थरूर भी लड़े और जिस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, थरूर जी को भी अच्छा मत मिला है
पर कहीं ना कहीं खड़गे जी के अनुभव के आगे थरूर जी को जरूर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चुनाव नहीं जीते हैं, पर फिर भी जिस तरह से सद्भाव दिखाया है खड़गे जी के यहाँ जाके, जो बधाई देने का, शुभकामना देने का और मिल के काम करने की जो बात कही है, आज इसी की आवश्यकता है। और पूरा विश्वास है कि आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी के मार्गदर्शन में आदरणीय खड़गे जी बहुत अच्छा काम करेंगे और जो भी कमियां होंगी उसको सुधार करेंगे और आम जन तक कांग्रेस की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से वर्तमान में एक तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भारत में हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी भारत की विचारधारा है, हमारा जो संविधान है, उसके साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से आम जन परेशान है, किसान परेशान है, पर देश की सरकार सो रही है, देश की सरकार सिर्फ इवेंट कर रही है। इन सब बातों को लेके एक तरफ राहुल गांधी जी जहाँ आंदोलनरत है, देश को जगाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, भाईचारा स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से खड़गे जी जो हमारे काफ़ी वरिष्ठ नेता है, पार्टी को लाभ मिलेगा और आम जन जो कहीं ना कहीं विमुख हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के धर्म और जाति के नाम पे, इनके झूठ और फरेब में आकर कहीं ना कहीं इनको चुनने का जो काम किया था, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश सभी जगह जीतेगी। कांग्रेस की सरकार प्रदेशों में भी बनेगी और देश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इनको देख लिया, अच्छे से देख लिया, इनके अच्छे दिन भी देख लिए और इनका काला धन भी देख लिया, इनका जिस तरह से लोकपाल लागू करने की बात कही थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, किसी भी चीज़ में ये कामयाब नहीं हुए। युवा बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, अब तो रोजगार के नाम पे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पकोड़े तलने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया का भी पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे, उन वादों पे अब बात नहीं करते। कोविड में आपने देखा होगा किस तरह से लोगों की जानें चली गई, नोटबंदी में किस तरह से कितना नुकसान हुआ देश का और कितने लोगों की जानें चली गई, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई देश की। जहाँ एक तरफ बोलते थे कि भारत की सरकार, जब वो मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार जब यूपीए की थी, तो किस तरह की बातें करते थे, आज कहाँ गया, आज तो इन चीज़ों पे ये बात ही नहीं करते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था देश की चौपट कर दी इन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा 2023-24 में कितना जोड़ पाएगी मतदाताओं, किस तरह लगता है कि कितना? देखिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिना लिए दिए किसी भी ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, अधिकारी कर्मचारी भी पिट रहे हैं, ईमानदार अधिकारी कर्मचारियों का कोई सम्मान नहीं है, जो भ्रष्ट लोग हैं बोली लगा के पोस्टिंग हो रही है, जब बोली लगा के जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी संभालेंगे तो फिर जनता को ही तो चूसेंगे। आज चाहे राजस्व का मैटर हो, चाहे बिजली विभाग से संबंधित हो, आप जहां भी नज़र दौड़ाइए, अभी जन अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री जन अभियान, उस जन अभी किसी चले जाइए, किसी पंचायत की शिविर में आप चले जाइए, क्या उसमें हो रहा है, सिर्फ आवेदन लेते हैं। पहले भी यही किया था, चुनाव के पहले महीनों ग्राम उदय से भारत उदय, अम्बेडकर जयंती से शुरू होकर एक महीना जो है ना ये कार्यक्रम चला था, पर लोगों से सिर्फ और सिर्फ आवेदन लिए गए और आवेदन कहाँ गए, ना गरीबी रेखा में नाम जुड़े, ना ही किसानों का, चाहे खसरा हो, बटरवारा हो, नामांतरण हो, जो भी काम है आज तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड ही गायब कर देते हैं, इधर का उधर कर देंगे, फिर अपील करो, फिर पैसा लेते हैं, एक बार स्टे देते हैं, एक बार वैकेट करते हैं, परेशान है, लड़ाने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम इस सरकार में चल रहा है, नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, नशा एक तरफ गांव-गांव टोले मजरे में, ये इसी सरकार के ज़माने में तो सब जगह ये फैला है नशा, और आज अब नशा मुक्ति अभियान के नाम पे धंधा कर रहे, लोगों को परेशान कर रहे, ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हुई है और अपनी कमियां छुपाने के लिए खाद्यान्न वितरण में कितनी बड़ी धांधली है, ये किसके ज़माने में फैला है,
पर इन्हीं लोगों ने तो किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, जो अपना बताते हैं 1 रुपये 2 रुपये किलो गरीबों को अनाज देने के लिए 22 प्रकार के लोगों को शामिल किया। जितने भी एक्ट बने हैं जिससे आम जनता को लाभ मिला है, सूचना का अधिकार किसका कानून है, शिक्षा का गारंटी किसका है, सब कांग्रेस सरकार ने, भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया, सारी चीज़ें जितने भी कानून लागू किए थे आम जनता के हित के लिए, उनको सबको तोड़ मड़ोड़ करके कमज़ोर करने का काम किया है। आज मनरेगा की स्थिति देखिए ना, समय पर मजदूरी का भुगतान, आवास योजना के नाम पे वहाँ भी लुटाई, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना भी पहले संचालित थी, पर ये नहीं था कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ले दे के करना पड़ेगा। और महंगाई आज इतनी हो गई, लोहा महंगा, सीमेंट महंगा, सरिया आपका ईंटा महंगा, जिधर आप जो भी सामान लेने जाइए सबका दाम दोगुना हो गया, पर रेट नहीं बढ़ा। अब कैसे बना रहे लोग, कितनी मजबूरी में बना रहे, जिनको आवास योजना का लाभ मिला है नहीं बना पा रहे हैं। तो इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सरकार जो है वो कांग्रेस की देन है, जनता की देन नहीं है। जनता ने आपको बहुमत दिया, आपकी पार्टी के नेताओं ने दिया, सीधी सी बात है तानाशाही है। जो लोग आपके साथ थे वो आज विरोधी हैं, उनके साथ तो दमन की नीति होगी, तो कैसे भी जो आगे चुनाव आएगा, अब तो जनता को ये लगता है कि हम तो कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस फिर ना भाजपा के साथ शामिल हो जाए, फिर ना ऐसे लोग चले जाए, ऐसे कैसे विश्वास। देखिए, जनता बहुत समझदार है और जनता के साथ जिन लोगों ने धोखा किया है उनको जनता जरूर सजा देगी। अभी भले ही जोड़ तोड़ करके सरकार भाजपा ने बना लिया है, कई राज्यों में खरीद फरोख्त करके चुनाव इन्होंने सरकार बनाई है कई राज्यों में, पर ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। इसी के लिए तो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, संविधान बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, कि जनता अगर जनप्रतिनिधि चुनती है। आप देखिए ना, अभी पंचायती राज के चुनाव में क्या हुआ, निकाय चुनाव में क्या हुआ, चुने गए कांग्रेस के या चुनने जा रहे थे कांग्रेस के, दारू चला, पैसा चला, या जो चुन के गए पैसे से उनको खरीद लिया, अपनी परिषद बना ली। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये, और इसको जवाब जनता ही देगी। ये आम जनता जिस दिन ठान लेगी तो कितने लोगों को खरीदेंगे, इनकी बोरिया बिस्तर बंद होगा 100%। और इनकी सरकार जाएगी इस बार, जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हैं और देश में जो बने हैं, जिस तरह से लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जिस तरह से लोग परेशान हैं, हर व्यक्ति अब बदलाव चाहता है। युवाओं ने इनका बहुत साथ दिया था, इनके झूठे नारे पर आके लोगों ने काफ़ी इनका सहयोग किया। पर अभी आपको बताएं, संबल योजना का पैसा दो दो ढाई ढाई साल से, जो पर आपदा में लोग खत्म हो जाते हैं एक्सीडेंट में या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पैसा ढाई साल से नहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है कहीं नहीं जा रहा है। लोन लेते हैं, लोन का पैसा जाता कहाँ है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे खर्चा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठने वाले लोग नहीं हैं, स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगे हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, स्कूलों में ताला लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से बहुत है। तो हर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ, दो दो साल से बच्चे परेशान हैं, एससी एसटी ओबीसी के, वैसे भी साइकिलों का वितरण नहीं हुआ दो दो साल से, कोविड में स्कूलें तो बंद रही, बच्चों का भविष्य पूरा चौपट कर दिया। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मैसेज जा रहा है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र पर अगर अपन बिंद की बात करें तो विपक्ष कितना मुद्दा उठा रहा है, जो चीज़ें आप बता रहे हैं मुद्दे जनता के पीस तो जाने चाहिए, जनता को वोट देना जनता के बीच में, इसके लिए कुछ अभी 11 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, तो क्या रणनीति है? देखिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा के उस कार्यक्रम के तहत लोग गाँव जा रहे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी जा रहे, गांधी चौपाल लगा रहे हैं। देश की आज़ादी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी की क्या असफलता हैं, किस तरह से जनता के साथ ठगी का काम किया, गुमराह करके वोट लेने का काम किया, इन सब चीज़ों पे हर जिले में, पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। गांधी चौपाल 30 जनवरी तक ये चलेगा, 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था और सभी जगह ये कार्यक्रम चल रहा है, रीवा में भी ये कार्यक्रम चल रहा है और तेज़ी से ये चलेगा और पूरी तरह से बदलाव की बयार आएगी। अभी कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी डेली कहीं न कहीं विधानसभा क्षेत्रों में, जिलों में दौरा हो रहा है, कल पनागर में थे, आज शायद बड़ा मलहरा में हैं, तो उनके भी दौरे हो रहे हैं और ज़रूर परिवर्तन होगा और जनता परिवर्तन करेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता तो हमेशा आवाज़ उठा रहे, ये ज़रूर है कि हमारी आवाज़ को जिस तरह से मीडिया में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आना चाहिए, जनता की आवाज़ को, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को आने की कोशिश की जाती है, पर अब इस बार मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आवाज दबेगी। बिंद का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं अपने अकेले विधायक, बिंद की अगर बात करें, अनूपपुर, शहडोल, आपको शहडोल में अभी नगरीय चुनाव हुए, जीत मिली, जिस तरह से बिंद में है गुटबाजी अक्सर होती, कांग्रेस हारती नहीं बल्कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराते, ये अभी से नहीं
लंबे समय से चला आ रहा, इसको लेकर कुछ ऐसी रणनीति यहाँ के नेताओं के साथ बन रही है कि अब एक साथ समय आ गया है, एक साथ लड़ने का समय आ गया है। अभी नगरीय चुनाव में जैसे सफलता मिली, चाहे शहडोल हो चाहे रीवा हो, तो इसके लिए कुछ आगे 2023-24 के लिए देखिए, अभी इस बार जनपद जिला पंचायत निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिली है और इसका प्रमुख कारण रहा है एकजुटता। हम सब लोग मिलके लड़ेंगे और हमारी लड़ाई भाजपा से है, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। सारे नेता आपस में मिलके काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़रूर करते हैं कि फूट डालो राज करो, पर वो सफल नहीं होंगे। इस बार हम लोग मिलके लड़ेंगे, सारे विधानसभा क्षेत्र भी की सीटें जीतेंगे, लोकसभा का चुनाव जब होगा वो भी जीतेंगे और इनको करारा जवाब देंगे। 1.5 साल आपकी भी सरकार थी लेकिन रोज़गार के बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोज़गार कैसे मिले एक बहुत बड़ा बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, रोज़गार के लिए कांग्रेस पार्टी ने, हमारी 15 महीने सरकार थी, 15 महीने के कार्यकाल का अगर हम बात करें कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने इसके लिए सुनियोजित प्रयास किया था, सबसे पहले कर्ज माफ़ी जो कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में था, आर्थिक अभाव के बाद भी 27 लाख किसानों का 1 लाख तक का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने माफ़ करने का काम किया था। और किसान अगर खुशहाल होता, किसान के जेब में पैसा होता तो कहीं ना कहीं रोज़गार सृजन होता, मार्केट में पैसा आता, दुकानदारों के पास पैसा आता, तो एक ये भी बहुत बड़ा माध्यम था। दूसरा, मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन कमलनाथ जी ने किया था, कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं था देश का जो इंदौर में उपस्थित नहीं था और कितना सुनियोजित तरीके से हुआ था। ये सारे काम देख के ही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र करके और अपदस्थ करने की कोशिश की थी। आपका बिजली का इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत कितना बढ़िया सुनियोजित कर दिया था, हर किसी को फायदा मिल रहा था, 1 रुपये 1 यूनिट बिजली के हिसाब से 100 रुपये का घरेलू बिजली का बिल किसी का इससे ज़्यादा नहीं आता था। 10 हॉर्स पावर तक किसानों का बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। 70% स्थानीय नौजवानों को रोज़गार मिले, इसके लिए भी नीति बनाने का ये काम सब शुरू हो गया था। हमारे जैसे सिंगरौली में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, बहुत सारा माइंस का काम है, ओबी का काम करती हैं बहुत सारी कंपनियाँ। तो खुद पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी थे, हम खुद सारे पूरे अधिकारियों को बुला के, कंपनी के लोगों को बिठा के कि पहले आप स्थानीय लोगों को 70% देंगे, फिर बाहर के लोगों को उसके बाद देंगे, इस तरह की नीति। और ये पूरे प्रदेश में कोई भी सरकारी भर्ती होती उसमें भी इस तरह का सारी चीज़ें करने का सुनियोजित प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी। 1000 गौशाला बनाने का काम किया था। छत्तीसगढ़ में देखिए, गौशाला और गौ संवर्धन में लोगों को रोजगार का देने का अवसर किया। आज सरकार गोबर खरीद रही है, गौमूत्र खरीद रही है और इन्हीं चीज़ों से लकड़ी भी बन रहा है, दवाई के लिए जो भी गौमूत्र का उपयोग होता है वो सारी चीज़ें सरकार चाहे तो कर सकती है। आज आप पता कर लीजिए कितना अच्छा ये प्रोजेक्ट वहाँ पे चल पड़ा है, दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। हमने 1000 गौशाला बनाई थी, 4000 नवीन गौशाला बनाने का काम किया था, आजीविका मिशन की जो बहनें थी उनको संचालित करने का काम दिया था। तो काम तो कांग्रेस सरकार ने बहुत कम समय में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 करने का काम किया था। तो काम की दिशा में अगर हम बात करें, बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया था। जिले की बात करें तो रीवा जो सीधी सांसद है रीति पाठक जी, पिछले 10 वर्षों से सिर्फ ट्रेन का राग अलापा जा रहा है, आज तक ट्रेन की कितनी विशेषता, कितना लोगों को लाभ मिल पाया। सीधी से सिंगरौली सड़क आप भी देख रहे हैं, आप भी जाते होंगे, कैसी दुर्दशा है। स्वास्थ्य सड़क शिक्षा की कोई बात नहीं करता, आपका क्षेत्र देखिए। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें, जो रीवा से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग, जब कमलनाथ जी परिवहन मंत्री थे उस समय मेरे पिताजी भी जीवित थे, सीधी के और सीधी सिंगरौली के नेता 5-6 लोग, और हम भी उस प्रतिनिधिमंडल में थे, हम लोग जाके उनसे मिले थे। तो उन्होंने सीधी सिंगरौली से सीधी, सीधी से रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उनने सेंक्शन किया था। और जो और ऐसे ही एक मार्ग हमारा बहरी से हनुमना, ये सेंक्शन किया था। एक मार्ग सीधी से आपका ये जो इधर मऊगंज में लग जाता है, पर ये काम एमपीआरडीसी ने कराया और एमपीआरडीसी ने इस काम को अच्छे से नहीं किया, जबकि ये राष्ट्रीय राज पर भारत सरकार
का काम करने का वो था। स्टेट गवर्नमेंट ने इस काम को लिया, फिर टेंडर किया, टेंडर पर टेंडर किया, जिस कंपनी को काम मिला था उसको ना मिल के दूसरे को मिल गया। फिर कुछ भाजपा के जो ठेकेदार थे वो नहीं चाहते थे ये सड़क बने, तो व्यवधान पैदा करने का काम किया, वो 600-700 करोड़ रुपये खर्चा हो गए, आधी अधूरी सड़क छोड़ के ठेकेदार मजबूरी में चला गया और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दोबारा फिर मेंटेनेंस के लिए 70 करोड़ सेंक्शन हुआ। हम ही लोग जब मंत्री थे उस समय प्रयास करके कुछ NCL से कुछ राज्य सरकार से सेंक्शन कराया, वो भी काम भूमि पूजन भर करती रहे सांसद और भाजपा के नेता। शिवराज सिंह ने पहले भूमि पूजन किया, 9 साल पहले भूमि पूजन किया था वहाँ पे देवसर में राष्ट्रीय राजमार्ग का, और आज तक वो सड़क जो है ना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। रही रेलवे की बात, तो रेलवे में भी ये सेंक्शन रेलवे लाइन का इंदिरा जी के टाइम में, अर्जुन सिंह जी के टाइम में ये हुआ था, सीधी से सिंगरौली से ललितपुर रेल लाइन का। और ये एक काम जरूर हुआ है इस सरकार में, सीधी में रेल लाइन आने के पहले ही, पटरी बिछने के पहले प्लेटफार्म का जरूर भूमि पूजन या शुभारंभ रेल मंत्री आके करके गए थे। तो ये सरकार में तो अजूबा ही हो रहा है, इनके जनप्रतिनिधि भी बार बार जो है ना बातें करते हैं, रेल की समीक्षा करेंगे, पर रेलवे की गति इस सरकार जैसे ही है। 23-24 में जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा। भूमि जिन किसानों की गई है रेलवे में, आज तक उनको मुआवजा, गरीब जो किसान है, जो छोटे किसान हैं, जो व्यवसाय कर रहे थे, जिनने ज़मीनें खरीद खरीद के पता करके जिनने लिया, उनने तो अपना मुआवजा बनवा लिया अच्छा खासा। बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने तो राशि का आहरण भी कर लिया फर्जी तरीके से, पर जो वाकई किसान है जिसकी ज़मीनें गई है वो आज भी परेशान है, उनको मुआवजा चाहे देवसर जियामन के हो, चाहे सीधी के आगे की जो भी जिनकी किसानों की ज़मीनें गई, आज भी वो लोग परेशान हैं। और जबकि अनुबंध में था कि नौकरियाँ भी देंगे, मुआवजा की राशि भी बहुत कम बनाई है, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून राहुल गांधी जी ने खुद पहल करके भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, और जितना उनको मुआवजा मिलना चाहिए था तो मुआवजा से भी वंचित करने का। इस सरकार में हम कह सकते हैं कि भाजपा के सारे नेता, चाहे सांसद हो और चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनके इवेंट करने में लगे हैं, सरकारी धन का अपव्यय करने में लगे हैं। अभी देखिए, महाकालेश्वर भगवान के लिए 300 करोड़ कमलनाथ जी के टाइम में सेंक्शन हुआ था, हम भी साक्षी थे। हमारे सिंगरौली में जो एयर स्ट्रिप बन रही है वो हम लोगों ने सेंक्शन कराया था, ये तो कई साल से चल रहा था, उसका भी पैसा अभी तक काम जो है ना पूर्ण नहीं हुआ, ये किसकी लापरवाही है? तो ये सरकार सिर्फ इवेंट करती है, ये इवेंट तो राहुल जी की टी शर्ट पे कर लेती है। अब इनके पास और कुछ बचा ही नहीं है, राहुल जी ने जो काम किया है ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। राहुल जी ने देश के लिए अपनी सारी चीज़ें छोड़ के इस देश को जोड़ने के लिए, देश के नौजवानों के लिए, यहाँ की संस्कृति और भाईचारे के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जबकि वो ऐसे परिवार से है जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, जिसके नाना जी देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हों, पर नाना, और जिसके दादी देश की प्रधानमंत्री रहे हों, पिताजी देश के प्रधानमंत्री रहे हों, शहादत दी हो इन अपने नेहरू जी, तो 11 वर्ष जेल में बिताए हैं देश के लिए, और वही विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी जान को हथेली में लेके देश के लिए जो निकले हैं, हम उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज देश को ऐसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है जो दिन में 4 बार कपड़े नहीं बदले, जो 10-10 लाख का सूट नहीं बदले चाय बेचने वाला। तो ये चाय बेचने वाले जो अच्छे दिन के नारे देने वाले लोग हैं वो सिर्फ इवेंट करते हैं, हमारे नेता को क्रिटिसाइज करते हैं, पर राहुल जी में ने जो करके दिखाया है वो वाकई हम कह सकते हैं कि ये सभी नौजवानों को, देश के एक एक व्यक्ति को प्रेरणा लेना चाहिए, और हमारी भाईचारा, हमारी संस्कृति को बना के रखने के लिए इसी तरह के संघर्ष की आवश्यकता है। और जो हमारे बीच में धर्म और जाति के बीच में लड़ाकर सत्ता हासिल तो कर लिए और आगे फिर वही करना चाहते हैं, इनको बेनकाब करने की ज़रूरत है और इनको खदेड़ने की आवश्यकता है, जिस तरह से अंग्रेज़ों को खदेड़ा था। ये थे सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी, जिनको विश्वास है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ भाजपा के कुशासन, भ्रष्टाचार, दमन की जो नीति चल रही है उससे जनता उब चुकी है और आने वाले 23 और 24 में जवाब मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि जनता के बीच में जो मुद्दे हैं किस तरह से अपनी कांग्रेस पार्टी रख पाती है। विराट के लिए रामनंद पांडे।